वेलकम टू माय एसपीडी ऑनलाइन स्टडी चैनल। देखिए, इस चैनल के माध्यम से आपको एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप का फिजिक्स का मॉक टेस्ट और इंग्लिश का मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं। इंग्लिश का टॉपिक वाइज भी आपको वीडियो यहां पर अपलोड किया जा रहा है, जिससे आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट नंबर 1 और मॉक टेस्ट नंबर 2, अगर इंग्लिश का मॉक टेस्ट नंबर 1, 2 और नहीं देखें तो जाकर उसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। देखिए, इंग्लिश का मॉक टेस्ट नंबर थ्री है। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का एरर फाइंड करना है। सबसे पहले देखते हैं कि नो सूनर डिड द टीचर इंटर द क्लास वेन द स्टूडेंट्स स्टूड अप। देखिए, यहाँ पे नो सूनर है। नो सूनर के साथ हमेशा हम लोग का जो प्रयोग वेन नहीं आता, वो नो सूनर के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं देन। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका एरर सी पार्ट में है। और एक और चीज़ बताएं, वेन तभी यूज होगा जब नो सूनर की जगह हार्डली हो, स्कार्सली हो, रेयरली हो, उसके साथ वेन का प्रयोग करते हैं, लेकिन नो सूनर के साथ देन का प्रयोग करते हैं, THEN देन। तो यहाँ पर जो होगा THEN देन होगा। नो सूनर डिड द टीचर इंटर द क्लास देन द स्टूडेंट स्टूड अप। और एक और बात बता दें, नो सूनर के बाद एक्सिलरी वर्ब आता है। यहाँ पर देखिए, डिड जो है एक्सिलरी वर्ब है, नो सूनर के बाद एक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। हार्डली हो, स्कार्सली हो, रेयरली हो, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आता है। हार्डली हो, स्कार्सली, रेयरली हो, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। और हार्डली, स्कार्सली, रेयरली के साथ वेन आता है, लेकिन नो सूनर के साथ देन आता है, THEN। सो आपका एरर है जो सी पार्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल, सी इज कॉन्फिडेंट टू विन द गोल्ड मेडल दिस टाइम। देखिए, यहाँ पे सी इज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग होगा। कॉन्फिडेंट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आता है, टू नहीं। सी इज कॉन्फिडेंट ऑफ, और ऑफ के बाद जो आता है वर्ब जीरंड आता है। तो सी इज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग। सो आपका जो एरर है इसमें, जो एरर है वो बी पार्ट में है। सी इज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द गोल्ड मेडल दिस टाइम। सो आपका एरर यहाँ पर जो एरर है वो बी पार्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ टाइम यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पर इट इज़ टाइम है, और इट इज़ हाई टाइम के बाद जो सेंटेंस आता है उसमें भी टू का प्रयोग करते हैं, यानी पास्ट में ये चला जाता है। तो इट इज़ टाइम यू डिसाइडेड, डिसाइड की जगह डिसाइडेड होगा, DECIDED डिसाइडेड होगा। सो आपका जो एरर है वो बी पार्ट में है। इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम हो, उसके साथ डिसाइड नहीं, उसके साथ भी टू का प्रयोग होगा, तो डिसाइडेड होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इज नॉट इट। देखिए, यहाँ पे जो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये जो जिस सेंटेंस में है उसी टेंस में इसका जो क्वेश्चन टैग बनता है उसी टेंस में बनता है। तो देखिए, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये सिंपल प्रेजेंट में है, और सिंपल प्रेजेंट में है तो यहाँ पर इज नॉट इट नहीं होगा, डज नॉट इट होगा। यहाँ पर इज नॉट इट नहीं होगा, क्योंकि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन ये जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस में, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को डज नॉट जब हम लोग क्वेश्चन टैग में बनाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा डज नॉट इट। अब सिनोनिम्स देखते हैं, सिनोनिम्स क्या बोल रहा है। कंट्रोवर्सीज का सिनोनिम्स क्या होगा, स्कर्मिस। देखिए, सिनोनिम्स यहाँ पे जो डेली कराए जा रहे हैं उसी में से आपका सिनोनिम्स यहाँ पर लिए गए हैं, जिससे एक बार आपका रिविजन हो जाएगा। आप डिस्टिट्यूट्स, एडुलेट या क्रिमिनल, ये सारे वहाँ पे कराए गए हैं, आप जाकर उसे देख सकते हैं। डिस्टिट्यूट, एडुलेट, क्रिमिनल, एडुलेट में होता है चापलूसी करना, क्रिमिनल को आपको पता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, बोनाफाइड। बोनाफाइड मीन्स क्या होता है, बोनाफाइड मीन्स होता है जेन्युइन। आंसर होगा इसका डी। एक्टिव मीन्स होता है फुर्तीला। क्रिटिसाइज मीन्स आलोचना करना। रिमोन्स्ट्रेट मीन्स होता है निंदा करना। ये सारे आपको वन जहाँ सिनोनिम्स कराए जा रहे हैं और वन वर्ड कराए जा रहे हैं डेली, वहाँ पे आपको ये सारे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। सो इसलिए यहाँ पे हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बोनाफाइड का होगा जेन्युइन, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, एंटोनिम्स जो है वहाँ पर देखना है कि एंटोनिम्स क्या बोल रहा है। पार्सिमोनियस का क्या होगा, जेनरस होगा, फ्रूगल होगा, क्रूड होगा, स्टिंगी होगा। पार्सिमोनियस का आपका होगा जेनरस, GENERO। जेनरस मीन्स होता है उदार, और पार्सिमोनियस मीन्स होता है कंजूस। फ्रूगल भी इसका पार्सिमोनियस का फ्रूगल दे दिया है, साइनो स्टिंगी भी दे दिया है। स्टिंगी मीन्स होता है कंजूस, क्रूड मीन्स होता है कच्चा। देखिए यहाँ पे
पार्सिमोनियस का जो आंसर होगा वो आपका जो एरर आंसर होगा वो जेनरस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डर्थ DARTH डर्थ का क्या होगा। डर्थ का इस यहाँ पे एन टू होगा एबॉन्डेंस, डर्थ मीन्स होता है कमी और एबॉन्डेंस मीन्स होता है प्रचुर, इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो सी होगा। सफिशियंसी भी इसका साइनो दिया है, डर्थ का साइनो दिया है सफिशियंसी स्कार्सिटी, इसलिए इसका आंसर होगा सी, एबॉन्डेंस मीन्स होता है प्रचुर मात्रा में। नेक्स्ट देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी दो है, सारे चीज़ यहाँ पे दो कराए हैं, आपके एग्जाम में एक एक पूछता है लेकिन यहाँ पे दो कराए गए हैं, कि अगर यहाँ से दो कराने से अगर आप लोग को फ़ायदा मिलता है तो यहाँ पे दो करिए, आराम से कीजिए। ए पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स दैट ही इज़ इल, इसका आंसर होगा वैलेटुडिनेरियन। देखिए इसका भी आपको वन वर्ड जहाँ पे कराया जा रहा है वहीं से लिया गया है, जिससे आपका रिविज़न भी हो जाए और आपको याद भी हो जाए। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सोचता है कि हम बीमार हैं, वैलेटुडिनेरियन। कंटिन्यूइंग फाइट बिटवीन पार्टीज फैमिली क्लैंस, देखिए जो विवाद लंबे समय से चलता रहा है उसके साथ, उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूड, FEUD। फ्यूड मीन्स होता है विवाद, क्वारल मीन्स भी विवाद झगड़ा होता है, स्कर्मी मीन्स भी वही होता है, स्कर्मिस मीन्स भी विवाद ही होता है, इनमिटी मीन्स भी वही होता है, लेकिन यहाँ पे जो विवाद लंबे समय से चलता रहा है उसे बोलते हैं फ्यूड। सारे आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए गए, आप जाकर उसे देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। देखिए इडियम्स एंड फ्रेज में टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ, टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ। देखिए इडियम फ्रेज में दिखाता कुछ और है और लिखता कुछ और है, टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ इसका आंसर होगा डी, टू चेंज द ओल्ड हैबिट्स एंड एडॉप्ट न्यू वंस, यानी ओल्ड हैबिट्स को चेंज करना और न्यू चीज़ को ग्रहण करना, इसी को बोलते टू टर्न अ न्यू लीफ। नेक्स्ट देखते हैं ए फेयर क्रैक ऑफ हिप, ए फेयर क्रैक ऑफ हिप का इसका आंसर होगा ए पीरियड ऑफ टाइम। देखिए ये सब इडियम्स फ्रेज है जो आराम से इसको रट जाना है आपको, आपको अपने से ट्रिक बनाकर रट जाना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप आराम से उसका अर्थ निकाल कर आंसर टिक कर सकते हैं, लेकिन जो इडियम फ्रेज है ये कहावत है, कहावत इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। वॉइस में देखिए ही टीचेस अस ग्रामर, ही टीचेस अस ग्रामर, देखिए ही टीचेस अस ग्रामर है वॉइस, जो वॉइस जो ही टीचेस है, टीचेस ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, और जब प्रेजेंट इंडिफिनिट को हम लोग ग्रामर में इसको वॉइस में चेंज करते हैं एक्टिव टू पैसिव में बनाते हैं, तो यहाँ पे इज़ एम आर बनाते हैं, इज़ एम आर लगाते हैं तब बनता है। तो देखिए इज़ एम आर वाला देखेंगे तो इज़ एम वाला एक ये है एक ये है, ये तो होगा नहीं, और नीचे वाला डी नंबर भी आपका आर है, तो देखिए यहाँ पर तो हम बी नंबर तो होगा नहीं, कि नहीं, सॉरी सॉरी, यहाँ पे चारों इज एम आर से रिलेटेड है। तो देखिए ही टीचेस अस ग्रामर, ही टीचेस अस ग्रामर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इज एम आर देखेंगे तो ग्रामर सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बींग तो होगा नहीं, इज एम आर में चेंज करते हैं, यहाँ पर बींग का कोई रिलेशन नहीं, बींग तब लगता है जब यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस में दिया हो, और यहाँ पर कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो या पास्ट कंटिन्यूस हो, तब यहाँ पे हम लोग बींग का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है इसलिए यहाँ पर इज एम आर में प्रयोग होगा, यहाँ पर बींग तो होगा नहीं, तो यहाँ पर गलत है। देखिए यहाँ पर भी बींग है तो ये भी गलत है। अब बचा ए और डी, ग्रामर इज टॉट टू अस बाई हिम, या वी आर टॉट बाई ग्रामर, वी आर टॉट ग्रामर बाई हिम, तो आपका जो आंसर होगा वो डी पार्ट में है। देखिए आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, आराम से क्वेश्चन देखिएगा, आराम से टिक कर लीजिएगा, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, धीरे धीरे आपका लेवल इंक्रीज होगा, सो आंसर डी विल बी राइट। नेक्स्ट देखते हैं मोना वाज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर, देखिए यहाँ पर बता दिया आपको पास्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके साथ ही बींग आता है, तो बींग आता है तो देखिए यहाँ पर बींग सी में है, सिर्फ सी में ही बींग है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लेटर वॉज बींग रिटेन बाई मोना टू हर, यहाँ पे आपका सही है। नरेशन में देखिए आई सेड ही सेड आई सॉ अ बुक, यहाँ पे देखिए हेयर छूट गया है, आई सॉ अ बुक हेयर, यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा टाइपिंग मिस्टेक में छूट गया है, ही सेड आई सॉ अ बुक हेयर, देखिए यहाँ पे आई सॉ ए बुक ये जो है आपका पास्ट इंडिफिनिट में है, और पास्ट इंडिफिनिट को हम लोग चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में तो है ही हैड लगा रहता है, लेकिन ये तो होगा नहीं दोनों, इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये देखिए ही सेड डैट ही सॉ बुक हेयर, वो पास्ट को पास्ट ही में ही रहने दिया है, पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट में ही रहने दिया है, लेकिन यहाँ पे जो पास्ट इंडिफिनिट ना होकर पास्ट परफेक्ट टेंस में इसको चेंज करेंगे, तो ही सेड डैट ही हैड सीन अ बुक हेयर,
हेयर है, यहाँ पे हेयर का हेयर नहीं होगा, देयर होगा। सो आंसर डी विल बी राइट, ही सेड डैट ही हैड सीन अ बुक देयर। देखिए यहाँ पे देयर छूटा नहीं है, नीचे है, आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन ही सेड डैट ही हैड सीन अ बुक देयर। सो आंसर डी विल बी राइट। देखिए यहाँ पे है देयर है, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड टू मी व्हाट टाइम डू द ऑफिस क्लोज, व्हाट टाइम डू द ऑफिसेस क्लोज। देखिए यहाँ पे ही सेड टू मी व्हाट, यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी आता है तो यहाँ पे आस्क्ड का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखेंगे सेड की जगह हम लोग आस्क देखेंगे कहाँ कहाँ है। तो देखिए फर्स्ट होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे वांटेड दिया है। आस्क्ड हुआ बी सी और डी में, बी सी डी में देखिए व्हाट टाइम डू द ऑफिस क्लोज। यहाँ पे जो जो ये सेंटेंस में सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट इंडिफिनिट में, और जब इसको अब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं तो यहाँ पे जो आपका इंट्रोगेटिव है वो अफर्मेटिव में बन जाता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। तो ही आस्क मी व्हाट टाइम द ऑफिस, ही आस्क मी, देखिए ए नंबर तो होगा नहीं, बी नंबर इसलिए नहीं होगा, ही आस्क मी व्हाट टाइम डिड द ऑफिस क्लोज। यहाँ पे इसको इंट्रोगेटिव किया है जो कि होगा नहीं। यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो आपका होगा डिड ऑफिस क्लोजेस्ट, ही आस्क मी व्हाट टाइम द ऑफिस क्लोज्ड। सो आपका आंसर सी होगा। देखिए आपको ये बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आप आराम से बना लेंगे, हमको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड में अब देखिए आपका एक आता है, यहाँ पे दो कराए गए हैं। एग्जैजरेट, एग्जैजरेट आपका बताना है, एग्जैजरेट इसमें किस सा, कौन सा वर्ड सही है। तो एग्जैजरेट जो है वो सी सही है। एग्जैजरेट मीन्स होता है कि कोई भी टॉपिक को या कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन करना, अच्छी प्रकार से वर्णन करना। सो आपका जो आंसर होगा वो सी है। कोलाबोरेशन, कोलाबोरेशन इसमें देखना है कौन सा सही है। यहाँ पर कोलाबोरेशन जो है आपका सी ओ डबल एल ए बी ओ आर ए टी ए, और कोलाबोरेशन मीन्स होता है सहयोग करना, सहयोग। तो आपका जो आंसर होगा वो डी होगा, इसका आंसर होगा सी। देखिए यहाँ पर फिलर है, यानी अरेंज द स्टेटमेंट्स। यहाँ पे जंबल क्वेश्चन है, जंबल क्वेश्चन आप इसको सेंस से निकालने के बाद ही अपने आप से कर सकते हैं। देखिए इसके लिए आपको थोड़ा 20-25-30 मिनट, 20-25-30 सेकंड लगेंगे। आप आराम से इस वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए यहाँ पे कौन सा सूटेबल है, उसके बाद वीडियो को ऑन कीजिए और देखिए कौन सा आंसर सही है। देखिए द रेलवे हैव लॉन्च्ड, द रेलवे हैव लॉन्च्ड एंड क्या लॉन्च करेगा, द रेलवे हैव लॉन्च, द रेलवे हैव लॉन्च एन ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आर होगा एन ऑनलाइन एप्लीकेशन वेयर वन कैन फाइंड, वेयर ऑन वन कैन फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ 6,500 ट्रेन ऑन ए गूगल मैप ऑन अ रियल टाइम बेसिस। इसका जो आंसर होगा आपका आंसर होगा सी। देखिए द रेलवे हैव लॉन्च्ड एन ऑनलाइन एप्लीकेशन वेयर, जहाँ वन कैन फाइंड, कोई भी फाइंड कर सकता है द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ 6,500 ट्रेन ऑन ए गूगल मैप ऑन अ रियल बेसिस, ऑन द रियल, ऑन अ रियल टाइम बेसिस। इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए बहुत आसान है और आप आराम से सेंस से आप निकाल सकते हैं इसका आंसर। चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड, यहाँ पर अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करना है। ही वाज चार्ज डैश स्टीलिंग अ कैमरा, ही वाज चार्ज विथ, चार्ज के साथ प्रीपोजिशन विथ आता है, लेकिन एक्यूज हो ए डबल सी यू एस ई डी एक्यूज के साथ ऑफ आता है, और गिल्टी के जी यू आई एल टी गिल्टी के साथ भी ऑफ आता है, और चार्ज के साथ विथ आता है। तो इसे आप याद कर लें, जो जो बताया जा रहा है यहाँ पर नोट कर लें या याद कर लें, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट लेट अस डिस्कस, देखिए यहाँ पर लेट अस डिस्कस दिस इशू इन डिटेल। देखिए मोस्ट यहाँ पे मोस्टली लड़के क्या करेंगे, यहाँ पे अबाउट में टिक करेंगे, लेकिन यहाँ पे अबाउट नहीं होगा। डिस्कस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो डिस्कस है ये वर्ब है, वर्ब की तरह यहाँ पे यूज़ किया गया है डिस्कस। अब वर्ब जब डिस्कस को हम लोग वर्ब की तरह यूज़ करेंगे तो वहाँ पर नो प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन अगर डिस्कशन हो, डी आई एस सी यू डबल एस आई यू एन डिस्कशन हो, तो यहाँ पर डिस्कशन ये नाउन है, इसके साथ अबाउट का प्रयोग करेंगे। सो यहाँ पर आंसर हो गया आपका डी, नो प्रीपोजिशन। अगर यहाँ पर डिस्कशन रहता है तो हम लोग अबाउट का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर डिस्कस है तो नो प्रीपोजिशन। नेक्स्ट देखते हैं, ही स्कम्ड, ही स्कम्ड डैश हिज इंजुरीज, ही स्कम्ड, ही स्कम्ड टू हिज इंजुरी, स्कम्ड के साथ प्रीपोजिशन टू आएगा। नेक्स्ट, द ओनली कंसेशन कैन, द ओनली कंसेशन कैन ग्रांटेड टू यू दिस। देखिए ओनली, द ओनली के साथ हम लोग का जब ओनली के साथ विच आएगा, व्हाट आएगा, एज आएगा, डैट आएगा। द ओनली के साथ आता है डैट,
द ओनली कंसेशन डेट कैन बी ग्रांटेड टू यू इज दिस। देखिए यहाँ पे होगा आंसर नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट मॉक टेस्ट हुआ आपका खत्म, मॉक टेस्ट हुआ खत्म। देखिए यहाँ पे सारे चीज़ दो दो कराए गए हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि हम अगला वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।